जय हिंद। रशिया और यूक्रेन में आपसी संबंध बहुत बिगड़ गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार इतनी गंभीर स्थिति दोनों देशों में चल रही है। अगर तनाव युद्ध में बदल गया तो पूरे यूरोप में आग फैल सकता है। लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। क्या आपको पता है कि ये स्टार्ट या इसके पीछे के विवाद का वजह क्या है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। असल में यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, जो 1949 में अमेरिका ने बाकी 12 देशों को लेकर बनाया था। एट प्रेजेंट 30 देशों से अब नेटो जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी देश किसी और देश पर हमला करता है तो नेटो के रूल्स के तहत बाकी 29 देश एकजुट होकर उस दूसरे देश पर हमला या हावी होने को तैयार रहेंगे। नेटो के अंडर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रशिया के पड़ोसी देश एस्टोनिया और लत्विया भी शामिल है। रशिया को इस बात की दिक्कत है कि अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो गया तो रशिया पूरे दुश्मन देश से गिर जाएगा। कहीं अगर फ्यूचर में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो नेटो के तहत बाकी सभी देश रशिया के ऊपर हावी हो जाएंगे, और रशिया ये कभी नहीं चाहता कि अमेरिका उसके आगे या उसके ऊपर हावी हो। जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो रशिया ने इस बात पर निंदा जताई थी। तभी से रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई, और तब से दोनों देश बाकी सभी देशों को अपने पाले में करने में लग गए। इसलिए तो अमेरिका और रशिया दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है। मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का रशिया से तनाव बढ़ता जा रहा है। आपके हिसाब से हमारे देश भारत को इस समस्या की स्थिति में किसका साथ देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। योर स्वेट फैक्ट्स।